सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। सो द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी में आपके मेनली 4 यूनिट्स हैं एंड ये मैं आपको चारों यूनिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ऑल्सो दिस वीडियो इज सफिशियंट फॉर यू। अगर आप पेपर से पहले सिर्फ आप अगर ये सिंगल वीडियो को ये 2 से 3 बार देख लेते हैं तो 101% आप पेपर में 50% तक स्कोर कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। 50% द मिनिमम एंड हाईएस्ट 70% तक स्कोर कर सकते हैं आफ्टर लाइक वॉचिंग दिस वीडियो अराउंड 2 or 3 टाइम्स। और उसको अच्छे से देखना, ये नहीं सोते सोते देख रहे हो, वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी। सो हियर इज द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। द फर्स्ट यूनिट इज यूनिट 1, दैट इज ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस लेक्चर्स। सो फर्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हैप्पीनेस। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एक्सेस टू क्लीन वाटर, फ्रेश एयर, ग्रीन स्पेसेस एंड सेफ नेबरहुड्स, ये कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सन की हैप्पीनेस के लिए। वहीं अगर हम बात करें सोशल फैक्टर्स के बारे में तो होते हैं लाइक सोशल सपोर्ट, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ये आपको देते हैं एक सोशल सपोर्ट टू बी हैप्पी एंड ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू योर हैप्पीनेस। नेक्स्ट यू हैव इज हाउ कैन वी कॉप अप विद स्ट्रेस टू इंक्रीज ओवरऑल हैप्पीनेस। तो हम स्ट्रेस से कैसे कॉप अप कर सकते हैं ताकि हमारे को जो है ओवरऑल हैप्पीनेस मिले। सो कॉपिंग अप विद स्ट्रेस इज लाइफ सेविंग स्किल। सो ये एक लाइफ सेविंग स्किल है जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है आपको ओवरऑल हैप्पीनेस को। सो जो स्ट्रैटेजीज है ऑफ कॉपिंग विद स्ट्रेस इंक्लूड करती है एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, पार्टिसिपेटिंग ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, सीकिंग सोशल सपोर्ट एंड एंगेजिंग इन एंजॉयबल एक्टिविटीज। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजीज आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हो अपना स्ट्रेस लेवल और इंक्रीज कर सकते हो अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेलबींग। नेक्स्ट यूनिट यू हैव इज इंडोलॉजिकल, आई थिंक इट इज आइडियोलॉजिकल बट इंडोलॉजिकल इट इज। सो इंडोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ हैप्पीनेस। सो इन दिस वी हैव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज पंचकोश थ्योरी एंड हाउ डज इट रिलेट टू आइडिया ऑफ वेलबींग। सो पंचकोश थ्योरी क्या है? सो पंचकोश थ्योरी जो है एक एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है आपका 5 लेयर्स ऑफ शीतास ऑफ ह्यूमन बॉडी। ईच रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर बींग। लाइक दीज 5 लेयर्स इंक्लूड आपके फिजिकल बॉडी, ब्रीथ बॉडी, माइंड बॉडी, इंटेलेक्ट बॉडी एंड द ब्लिस बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द ट्रू वेलबींग कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन ऑल 5 लेयर्स है जो वो बैलेंस्ड है एंड इन हार्मनी विद वन अनदर। बाय नर्चरिंग ईच लेयर थ्रू प्रैक्टिसेस सच एज योगा, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन वी कैन अचीव अ स्टैटिक एंड होलिस्टिक वेलबींग एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट यू हैव इज द क्वेश्चन 2, दैट इज what is hierarchy and stages of happiness according to indological theories. So indological theories jo hai ye like indological theories purpose a hierarchy of happiness that includes 3 stages. First is physical, second is pleasure, physical pleasure first is, second is contentment and third is spiritual fulfillment. So a physical pleasure stage ye the happiness jo ki derive hoti hai from a sensory experiences such as food, material possessions etc. देन यू हैव इज एट द कंटेनमेंट स्टेज हैप्पीनेस जो वो ड्राइव होती है फ्रॉम अ सेंस ऑफ इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन विद अ वंस लाइफ। एट द स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट स्टेज हैप्पीनेस जो है इज ड्राइव फ्रॉम अ डीपर कनेक्शन टू अ हायर पावर और पर्पज जो कि एक देती है सेंस ऑफ वननेस विद द यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज जो ट्रू हैप्पीनेस कैन ओनली बी अचीव एट द स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट स्टेज एंड ये रिक्वायर होता है अ कमिटमेंट टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सच एज मेडिटेशन, प्रेयर एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट ईयर इज यूनिट 3, दैट इज क्रॉस कल्चरल कंटेक्स्ट। सो क्रॉस कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ हैप्पीनेस। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस हैप्पीनेस। सो कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हैप्पीनेस को? सो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैप्पीनेस जो वो एसोसिएट होती है विद द पर्सनल अचीवमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस। वाइल जो कल्चर्स होते हैं लाइक वाइल इन अ कलेक्टिविस्टिक कल्चर जो हैप्पीनेस जो होती है एसोसिएटेड होती है विद द सोशल हार्मनी एंड द वेलबींग ऑफ द ग्रुप। एडिशनली अगर हम देखें तो जो कल्चरल वैल्यूज है एंड बिलीफ है कैन शेप आर एक्सपेक्टेशन ऑफ वट कॉन्स्टिट्यूट्स आर हैप्पी लाइफ एज वेल एज आर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स इमोशंस एंड मेंटल हेल्थ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक टारगेट इज 100 लाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज हाउ डू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिफर अक्रॉस कल्चर्स एंड हाउ डज दिस इम्पैक्ट हैप्पीनेस। सो पहले तो ये है कि कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो डिफर है अक्रॉस कल्चर्स।
सो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैन वेरी वाइडली अक्रॉस कल्चर्स, इन सम कल्चर्स क्लोज फैमिली एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप जो है मे बी हाईली वैल्यूड, वाइल इन अदर्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस मे बी प्रायोरिटाइज. ये वर्ड इतना वो लग रहा है कॉम्प्लिकेटेडली. सो जो क्वालिटी ऑफ आर इंटर रिलेशनशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आर ओवरऑल हैप्पीनेस. एंड इनका जो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स है ये प्रोवाइड करते हैं सोशल सपोर्ट को एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इमोशनल वैलिडेशन को. हाउएवर अगर हम बात करें जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप में वेरी अक्रॉस कल्चर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड हाउ कैन वी वर्क टुवर्ड्स अचीविंग इट. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, लाइक मेरे में से कह सकते हैं कॉन्सेप्ट होता है जिसे रेफर किया जाता है टू द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग आर हाईएस्ट पोटेंशियल एज अ ह्यूमन बीइंग्स. दिस कैन इन्वॉल्व डेवलपिंग आर यूनिक टैलेंट्स एंड एबिलिटीज, परसुइंग आर पैशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी इन अ मीनिंगफुल वे. टू वर्क टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कल्टिवेट करें सेल्फ अवेयरनेस, सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड एंगेज करें इन एक्टिविटीज डेट ब्रिंग अस जॉय एंड फुलफिलमेंट. एडिशनली जो बिल्डिंग है लाइक एडिशनली बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड सीकिंग आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ कैन ऑल्सो सपोर्ट आर जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. विद दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज यूनिट 4, लोकल एंड ग्लोबल परस्पेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस. सो लोकल एंड ग्लोबल परस्पेक्टिव क्या होता है हैप्पीनेस के? फर्स्ट इज मेजरिंग हैप्पीनेस की इंडिकेटर्स. सो फर्स्ट लाइक हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द की इंडिकेटर्स यूज टू मेजर हैप्पीनेस. सो जो की इंडिकेटर्स होते हैं कि जिसे हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं वो इंक्लूड करते हैं लाइक हमारी इनकम, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम एंड जेनरोसिटी एंड ट्रस्ट. और ये जो इंडिकेटर्स है वो टिपिकली यूज करते हैं टू असेस बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेजर्स एंड वेलबींग एज दे रिफ्लेक्ट बोथ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड ब्रॉडर सोसाइटल ट्रेंड्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज हैप्पीनेस इंडेक्स एंड हाउ इज इट यूज्ड टू मेजर हैप्पीनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है. सो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये मेजर किया जाता है लाइक हैप्पीनेस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हैप्पीनेस एज वेल बींग लाइक हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये मेजर किया जाता है हैप्पीनेस को एंड वेलबींग को जो कि बेस्ड होती है ऑन द रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स. जो इंडेक्स है ये टिपिकली कैलकुलेट होता है बाय असेसिंग स्कोर्स to each indicator and then aggregating these scores to create an overall measure of happiness. जो happiness index है ये is often used by policy makers, researchers and organizations कि वो assess करे well-being of populations, identify करे areas for improvement and track कर सके progress over time. तो ये पैराग्राफ में थोड़े वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मेरे से सही से रीड नहीं किए गए हैं. सो इस वीडियो को एक बार पॉज करके जब क्वेश्चन 2 को अच्छे से रीड कर लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट यू हैव इज हाउ डज इंडिया रैंक इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडिसेस समथिंग लाइक दैट. सो इंडिया की जो रैंक है मिडिल एंड लोअर ग्लोबल हैप्पीनेस में सो वो रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा एक लाइक नॉर्मल रही है. इन 2021 जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इंडिया जो रैंक की है 139 आउट ऑफ 149. इससे ये पता चलता है कि इंडिया में ड्यू टू इनक्वालिटी, सोशल सपोर्ट एंड ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन की वजह से इंडिया की जो लोअर रैंकिंग है. हाउएवर ये जो एफर्ट्स है लाइक देयर हैव बीन एफर्ट्स इन इंडिया ताकि हम इम्प्रूव कर सके वेलबींग एंड हैप्पीनेस इंक्लूडिंग इनिशिएटिव टू इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. एंड विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो. बाय बाय.